Yes, sir. हाँ जी, फिर आ गया आपके साथ. Okay. इस महफिल का there are and there is or there is and there are, जैसे आप चाहो, उस महफिल का तीसरा हिस्सा आपके सामने इस वक्त पेश है. ओके ना, आइए फिर शामिल हो जाइए हमारी महफिल में. हाँ, थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है, लेकिन आप सोचो इसमें वोकैबुलरी हमारी कितनी बढ़ती चली है. ठीक है ना. हाँ, गाना वाना बीच में गा लिया करते हैं, क्या करें भैया. पहले बताया हमने कि आदत जो हमें हमारी है गाने की, तो यार अगर पहले भी कहा, फिर बता रहा हूँ आपको कि भैया अगर हम आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं और आप हमारी महफिलों में आते हैं, तो थोड़ा सा अगर हमने गाने गा लिए तो उसको बर्दाश्त कर लो. बल्कि ये कि अगर आप में से कोई कलाम लिखते हैं, शायरी लिखते हैं या कविता लिखते हैं, और अगर चाहते हैं कि आपकी कविता, आपका कलाम यहाँ पर पढ़ा जाए, आप ही का नाम लेकर के, हम ये नहीं, और तो आप बेशक उसको हमको लिख भेजें, और हमारे जिस तरह के भी हमारा अंदाज है उसमें हम लोगों को बताएंगे कि फलां साहब ने ये कविता या ये शायरी या ये नज़्म लिखी है, तो आपके सामने हम हमारी इस महफिल में हम पेश करते हैं. क्योंकि अभी कई लोग हमको देख रहे हैं, और वो लोग उसमें से कई एक ऐसे होंगे जो या तो शायरी और कविता लिखने का शौक़ रखते होंगे या फिर सुनने का भी रखते होंगे. तो आपको दावत है, आप चाहें तो भेज सकते हैं. ठीक है भैया, हम तो यार बोलते रहते हैं, वी कैंट हेल्प इट. ओके, बल्कि यहाँ पर अभी ये जो हम देख रहे हैं, इससे ये हमने देखा कि एक है तो उसको मग कहते हैं. ओके, और अगर दो हो या ज़्यादा हो तो कहते हैं मग्स. ओके, मग्स. और मग्स एक किसी हमारे एक दोस्त ने बहुत साहब पहले हमको बताया था, एक छोटा सा एक चीज़ कि मग्स को बाग में जाने ना देना, मग्स को बाग में जाने ना देना कि नाहक खून परवानों का होगा. देखो कैसे शब्दों से शब्द मिलते हैं. ठीक है ना, मग्स. मग्स को शायद फारसी में या किसी में कहते हैं जो ये मधुमक्खी होती है, ना हनी बी, उसको कहते हैं मग्स. हनी बी लिखिए, हनी बी या बी बोलते हैं या हनी बी बोलते हैं, वो मक्खी जो मधुमक्खी होती है जो कि मधु बनाती है, हनी बनाती है. मधु को कहते हैं हनी, लिखिए हनी. हनी वैसे आपका कोई चहिता हो उसको आप हनी कह सकते हैं. अंडरस्टैंड, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी बीवी है या आपके बॉयफ्रेंड है या आपके शोहर हैं, उसको आप हनी कह सकते हैं. हाय हनी, अच्छा लगता. ओके, आपकी मर्जी भैया, हम क्या कहें. एनीवे, सो मग्स को बाग में जाने ना देना कि नाहक खून परवानों का होगा. यानी कि शायर ने बहुत लंबा सोचा, कहता है कि मग्स यानी मधुमक्खी को बाग में ना जाने दो, क्योंकि वो बाग में जाएंगी और वहाँ से वो फूलों का रस लेकर आएंगी, और उसके बाद में वो मधु बनाएगी और मधु का छज्जा बनेगा, मधुमक्खी का छज्जा बनता है, और उसके बाद में लोग आएंगे, वो छज्जा ले लेंगे, उसमें से मधु निकाल लेंगे. ओके, हनी निकाल लेंगे, मधु निकाल लेंगे, और जो बच जाएगा वो मोम होता है, और मोम से शमा बनेगी, और शाम ढलते हैं शमा जलेगी, और जब शमा जलेगी तो परवाना आएगा, और परवाना अपने आप को उस पर निछावर कर देगा. एक नहीं कई परवाने आएंगे. तो कहता है मग्स को बाग में जाने ना देना कि नाहक खून परवानों का होगा. कह दिया जी, बहुत साल पहले हमारे दोस्त ने बताया था हमको. कोई बात नहीं, चलिए. तो एक है तो मग, ज़्यादा है तो मग्स. अब ये कप और मग में क्या फ़र्क होता है, दोनों में हम चाय या कॉफ़ी या कुछ पीते हैं, शेप पर डिपेंड करता है. इस तरह का जो शेप होता है ओके, मग कहते हैं नॉर्मली. ओके, और अक्सर हमने, इट्स नॉट समथिंग यू नो डेफिनेट, लेकिन नॉर्मली एक कप के साथ में सॉसर का होता है, एक रिवाज जैसा है समझ लो. और जो मग होते हैं नॉर्मली उसके नीचे सॉसर नहीं रखी जाती. ओके, अगर आपने रख दिया तो आपको वाँ 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 ऐसी आवाज़ सुनाई देगी, और पुलिस लोग आके आपको धर लेंगे और आपको जेल में डाल देंगे. ऐसा होगा. एक ऐसी चीज़ है, एक कस्टम है, एक रिवाज है. कस्टम लिखिए, कस्टम यानी रिवाज, कस्टम. कस्टम के और मीनिंग्स भी होंगे ओके, लेकिन इस वक्त आप लिखिए कस्टम यानी एक रिवाज, एक ट्रेडिशन होता है ओके ना, एक तरह से एक होता है जो हम करते हैं, रिवाज होता है. ठीक, तो मग ओके. और इसमें कॉफ़ी है, देखिए ब्लैक कॉफ़ी. अब कई बार आप पढ़ोगे या कोई आपसे पूछेगा डू यू वांट क्रीम विथ योर कॉफ़ी, देखिए क्रीम, क्रीम का मतलब होता है मलाई नॉर्मली. ओके, क्रीम वो भी हो जाए जो चेहरे पे लगाया जाता है. ओके, क्रीम. लेकिन जब वो कहते हैं डू यू वांट क्रीम इन योर कॉफ़ी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्चुअली मलाई डालेंगे. एक कहने का अंदाज़ होता है, वो डालते हैं उसमें दूध. ओके ना, और कई जगह आप ये बोलते हैं कि आई लाइक माई कॉफ़ी विथ अ ड्रॉप ऑफ मिल्क. A drop of, लेकिन a drop of एक लोकेशन है, यानी एक बूंद. ड्रॉप का मतलब होता है, एक तो होता है कि हाथ से कोई चीज़ गिर, आई ड्रॉप्ड इट. ओके, डोंट ड्रॉप इट, मतलब उसको छोड़ो ना, गिर ना जाए आपके हाथ से, गिर. ड्रॉप. और एक ड्रॉप का मतलब होता है बूंद या कतरा. कतरा होता ना,
कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो जिंदगी है ना। यार गुलजार साहब का तो यार क्या कहूँ, इतना इतना सारा इनके पास ये अंदाज उनका, और उनका उनके पास इतनी कला है कि पूछो ना। कहीं वो कहते हैं कतरे से ये बात उनका, कहीं हमने जगजीत सिंह साहब की एक हमने एल्बम सुनी और उसमें गुलजार साहब की आवाज़ में ये उन्होंने खुद ये फरमाया उसमें कि तुम्हारे गम की डली को देखो उठाकर ज़बां पे रख दी है मैंने, तुम्हारे गम की डली को उठाकर देखो ज़बां पे रख दी है मैंने, ये कतरा कतरा पिघल रही है और मैं कतरा कतरा ही तो जी रहा हूँ। गुलजार साहब वाह, ओके मानते हैं आपको, ठीक है ना। टू गुड आप डली, एब्सोल्युटली बट फंटास्टिक डली होती है जो गुड़ की डली होती है, देखे ना, और उसको रख दिया ना, कि मतलब ये कि आपका आपका गम भी हमको मीठा लगता है, ठीक है ना। मुझे गम भी उनका अजीज़ है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है, पुराने फिल्म का गाना है, सुपर्ब। ओके एनीवे, सो दिस इज ब्लैक कॉफ़ी, आई थिंक दिस इज ब्लैक कॉफ़ी, बट यू कैन ऐड मिल्क टू दैट एंड यू कैन से आई लाइक अ ड्रॉप ऑफ मिल्क इन माई कॉफ़ी, दैट मीन्स द पर्सन वॉन्ट नॉट गोइंग टू गिव यू जस्ट अ ड्रॉप, ही अंडरस्टैंड और शी अंडरस्टैंड यू वॉन्ट सम अमाउंट ऑफ मिल्क इन इट, इज अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, अ ड्रॉप ऑफ, से दैट अ ड्रॉप ऑफ, अ ड्रॉप ऑफ, अ ड्रॉप ऑफ, ओके गुड। एंड डोनट, यू कैन डिप योर डोनट इन द कॉफ़ी और टी एंड देन ईट इट, बिस्किट वगैरह को हम उसमें डुबो के ऐसे करते हैं, इट्स कॉल्ड डिप, लिखा डिप, डी आई पी डिप, ओके। और यू कैन ऑल्सो से डंक इट, डंक निकालना, ओके, यू कैन डंक योर डोनट एंड देन ईट इट, ओके। सो इस तरह से करके निकालते हैं, डिक डिप, यू कैन से डंक, ओके। डोनट एक है तो डोनट, ज़्यादा है तो डोनट्स, good, let's go further, okay, dip and dunk and you know donuts, okay, we're going ahead with the vocabulary, okay, here you go. Alarm clock, what time do you wake up guys? Early to bed and early to rise makes a man happy, healthy, wealthy and wise. I'm so sorry, okay, but I stopped in the middle, me hai ki man kyun, person bolo, okay, man, why not woman, okay, no equal, okay. So early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. देखो मुहावरे थोड़े से phrases वगैरह हमारी English में होनी चाहिए, English में नहीं कोई भी जबान हम बोले उसमें होनी चाहिए, it adds flavor to your speaking, to your speech, okay? उसमें स्वाद आता है जब आप इस तरह से बोलते हो, understand? उसमें एक मज़ा आता है, तो लिख के रखें उसको या ब्लॉग से लें कि early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. Original में शायद man है, लेकिन हम सिर्फ man की बात नहीं करेंगे, person, okay ना? It could be a man, it could be a woman, it could be a child, it could be anybody, okay? Now this is alarm clock, everybody, alarm clock, okay? It's also called alarm. Alarm एक word होता है, alarm, but let's get alarm clock. लिखा है alarm clock, okay? Now, मेज पर एक alarm clock है, पहले आप बोल के try करें, मैं अभी बताता हूँ, कोई कहीं जा नहीं रहा, ओके, लेकिन आप ट्राई करें किस तरह से होगा। खास तौर पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि वो ए आर ई का र वाला ही बात है, उसको आप ओके आप अपने माइंड में रख करके फिर आप उसको बोले, चलो ट्राई करें, आप ट्राई करें किया आपने। अब देखिए, देर इज एन अलार्म क्लॉक, देर इज एन अलार्म क्लॉक, क्योंकि एन है, देर इज एन अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल, देर इज एन अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल, ओके, और देयर इज एन अलार्म क्लॉक, एन अलार्म क्लॉक, एन क्यों कहेंगे, क्योंकि अलार्म है, अ, देयर इज एन अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल, अगर सिर्फ क्लॉक होती, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल, अ क्लॉक एन अलार्म क्लॉक, जहां पर हमारे मुंह से स्वर का, स्वर की ध्वनि निकलेगी, स्वर यानी अ आ ई ई ऊ ए आई ओ औ अम अहा, जो इसको हम स्वर माला कहते हैं हिंदी में, देवनागरी वगैरह में, स्वर, स्वर की ध्वनि जब मुंह से निकलती है और उसके आगे अगर हमको अ या एन कहने का मौका है, तो हम या तो अगर माय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज माय अलार्म क्लॉक, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बट अगर अ कहना है या एन कहना है, इन दोनों में से हमको चॉइस करना हो, तो फिर हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे मुंह से ध्वनि कौन सी निकल रही है। अगर एक स्वर की ध्वनि जो मैंने अभी गिनवाए वो हो, हाँ ये बात और है कि जो हमने अ आ वगैरह कहा वो हमारे हिंदी के स्वर हैं, ओके, अंग्रेजी में वो स्वर उस तरह के हैं या कुछ तरह से अलग हल्के से होते हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि व्यंजन नहीं है वो, दे आर नॉट, वी आर टॉकिंग ऑफ वावल साउंड्स एंड नॉट कॉन्सनेंट साउंड्स।
तो जब एक वावल साउंड होगा उसके आगे आपको एन कहना है, या फिर अलार्म क्लॉक है. सो लेट्स से इट, लेट्स हियर फ्रॉम यू गाइस. ओके, देयर इज एन अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल. चिल्ड्रन कहाँ है? नहीं बोलना आपने. क्यों क्यों नहीं बोलना है? क्यों अजीब लगता है? बिल्कुल अजीब नहीं लगता. मैं आपको बता रहा हूँ, मराठी मैं सीख रहा हूँ अकेला घर में बैठ करके, मैं अपने साथ बोलता हूँ, ठीक है ना? और मुझे कोई बुलवाने वाला नहीं. ओके, मैं हूँ ना आपके साथ. बोलो, बिलीव मी, दिस इज द वे टू डू इट. चलो बोले बोले बोले, कम 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 कम. ओके, देयर इज एन अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल. देयर इज एन अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल. ओके, अलार्म क्लॉक में या घड़ी में जो ऐसे कांटे होते हैं उसको हैंड्स कहा जाता है. ओके ना, 12 बजे की सुइयों जैसे हम दोनों मिल जाए, ऋषि कपूर ने सिंह ने कहा. ओके, सो 12 बजे ये जो जो हाथ होते हैं उसके, इट्स कॉल्ड हैंड्स, सुइयां जो होती हैं. सो हैंड्स, ओके, दे कॉल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. ओके फाइन, सो देयर इज एन अलार्म क्लॉक ऑन द टेबल. बढ़िया. ओके, नेक्स्ट वन प्लीज. ओके, हियर वी गो. ओके, नाउ टॉवल्स, फ्रेश clean towels. Okay, it's really very nice. You go to the bathroom and someone has kept fresh, okay, absolutely fresh and clean towels for you. Kitna acha lagta hai. It's pronounced towels. Towel, na, towel. Tolia, Hindi mein, Urdu mein. Towel, Mumbai mein, okay, Mumbai mein. But here, towel, towel, okay. There are three towels on the towel rack, on the rack. टॉवल का रैक होता है जहाँ पर लटकाया जाता है. ठीक है, टॉवल होल्डर, टॉवल स्टैंड, व्हाटएवर वी कैन से, बट देयर आर थ्री टॉवल्स ऑन द रैक. देयर आर थ्री टॉवल्स ऑन द रैक. थ्री, देयर आर थ्री टॉवल्स ऑन द रैक. ओके, नेक्स्ट वन, हियर वी गो. फॉर थ्री, ग्लोब, इट्स कॉल्ड द ग्लोब. दिस थिंग, राउंड थिंग, इट्स कॉल्ड द ग्लोब. हमारा, हमारी पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी. ओके, यहाँ पे पता नहीं, समवन इज ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट आई सपोज ओवर हियर, क्योंकि यू सी द ग्लोब इज, यू नो, इट्स बीन केप्ट अमंग ग्रीनरी इन ग्रास. ओके, शायद ये कहने का इनका ये शायद होगा कि हमारी पृथ्वी को हरी भरी रखें और उसको सुरक्षित रखें. ओके, व्हाटएवर यू कैन से, देयर इज अ ग्लोब इन द ग्रास. देयर इज अ ग्लोब इन द ग्रास. ग्रास यानी कि जो घास, किसको हम कहते हैं. ओके ना, तो देयर इज अ ग्लोब इन द ग्रास. गुड, नेक्स्ट वन. ओके, शूज, दो शूज हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे देयर आर टू शूज, क्योंकि दो तो हैं, लेकिन कहेंगे अ पेयर ऑफ. ओके, क्या कहेंगे? एक जोड़ी. जोड़ी होती ना, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी जोड़ी. हिंदुस्तानी तो हम है भैया, हिंदुस्तानी हम हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जमाना जो चल रहा है तो अंग्रेजी हमको सीखना अनिवार्य हो गया, लाजमी हो गया. ओके ना, सीखेंगे हम. ओके, शूज, अ पेयर ऑफ. नो, अ पेयर ऑफ, ये हमारा कोलोकेशन बहुत काम आएगा, हम आने वाले लेक्चरों में हमारे सामने फिर ये उभर के आएगा. आप लिखें, मैंने कहा था लास्ट टाइम पिछले इसी महफिल के अगले वाले हिस्से में या उससे पहले वाले हिस्से में, कि एक आपकी जो किताब है उसमें एक सेक्शन बना लीजिए आप. ओके, समझे 20 या 30 पन्नों का, वहाँ पर आप लिखेंगे कोलोकेशन, उसका हेडिंग रहेगा, उसमें एक कोलोकेशन आप लिखते चलेंगे. ओके, और मैं आपको बताऊंगा कि इनका फायदा हमें कैसे होगा. अ पेयर ऑफ, इट्स प्रोनाउंस, डोंट से अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, a pair of shoes, everybody, a pair of shoes, a pair of trousers, okay, a pair of scissors, yahan pe shoes dekh lete hain, a pair of shoes, chalo bole, a pair of shoes. Well, yes, it's for your own good, I'm telling you, bahut aapko ye fayda karega bolna. Okay na, a pair of shoes. Very, very good. Now there is a pair of shoes, क्योंकि एक जोड़ी है, दोनों मिला के एक जोड़ी बनती है. So you can say there are a pair of shoes, there are two shoes, you can say. But कोई कहता कि दो जूते हैं, जूतों की एक जोड़ी है ना भैया. Okay, so you'll say
there is a pair of shoes, yeah, there's a pair of shoes on the floor. Chaliye, there's a pair of shoes on the floor. There's a pair of shoes on the floor. Okay, now, shoes ke kuch hum yahan pe parts dekhte hain, okay na? जो उसका फीता होता है, जो हम बांधते हैं इस तरह से, यहाँ पे जो व्हाइट वाले हैं उसको कहेंगे लेस, नॉट से लेस, लेस, जबान ऊपर ऊपर जाएंगे लेस. ओके, यू कैन से टाई योर लेसेस, टाई योर लेसेस, लेसेस. ओके, लेस एक है और दोनों को मिला के दो हैं, लेसेस, शू लेसेस, शू लेसेस, जस्ट लेसेस. यू कैन से लेस का और एक मतलब होता है, हम देखेंगे लेस, shoelaces. ओके, और जो लेसेस के नीचे एक हिस्सा होता है जो इस तरह हम खींच के सही करते हैं उसको, ओके, जो दो उसके जो हिस्से के बीच में जाता है, इट्स कॉल्ड द टंग ऑफ द शू. टंग, टंग यानी कि जबान, वो जूते की जबान है. देखो उसका शेप ही ऐसा है, जबान के जैसा बीच में रहता है जो बीच में कवर करता है उसको. टंग, टंग. ओके, शू के अंदर जो एक चीज रखती है शू के शेप का, उसको खोलते हैं इनसोल. देखिए इनसोल, सोल, और शू के नीचे वाला जो हिस्सा है सोल, शू सोल्स. ओके, सोल्स, शू सोल्स, सोल, एस ओ एल ई, एस ओ यू आई एल, यानी कि आपकी रूह, आपकी आत्मा, उच्चार वही है बट यहाँ पे सोल. ओके, सोल का और एक मतलब होता है अकेला, बाद में देखते हैं. सोल, आगे वाला जो हिस्सा है, ओके, शू के जो आगे में, जैसे आपको शू समझो, ये आगे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके, उसमें उसको कहते हैं द टो ऑफ द शू. टो, टी ओ ई, टो, टो ऑफ द शू, द टो. ओके, माय शू टोज आर स्कफ्ड. ओके, गंदे हो गए, थोड़े से उस पर धूल लगी, स्कफ्ड. ओके, एस सी यू एफ एफ ई डी, माय शू टोज आर स्कफ्ड. ओके, टोज, और जो पीछे एड़ी होती है शू की उसको कहते हैं हील, H E E L, heel. ओके, heel. एक होता H E A L, heel, यानी कि कोई बीमारी को अच्छा करना, heal करना, कोई आपका जख्म है उसका ठीक हो जाना, उसको heel कहते हैं, H E A L, heel. यहाँ पे H E E L, H E E L, heel, यानी कि जूते की एड़ी या आपके पैर की एड़ी, body parts हम फिर देखेंगे. ओके, बट यहाँ पर heel. So we've seen this. Once more, before we go to the next photograph, let's have it once more from you guys, okay? Let's hear it. There's a pair of shoes on the floor. Good, okay? Now, books. Okay, I love books, absolutely. E-books hoti hain, of course, and they're very good. In fact, it's a very nice thing because you save paper. When you have e-books, okay, you are, it's paper, saving papers mean saving trees. तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यारो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो एक बुक होती है एक्चुअली पेपर की बनी हुई और अच्छी सी पड़ी, गुड प्रोड्यूस, वेल प्रोड्यूस बुक, ओके, वो उसका जो मज़ा है ना वो कुछ और ही होता है. ओके, ना मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे वालिद, ओके, वो उनको भी बुक्स अच्छी लगती थी, मुझे तो बहुत पसंद है. ओके, उनके पास वो एक बुक आती थी तो इसे खोलते थे, देखते थे, खोलते थे और उसकी खुशबू लेते थे, और मैं भी करता हूँ अभी. देखिए ना, नई बुक हो तो उसकी आप देखो एक चीज़ मिलती, और कभी पुरानी बुक होती है, ओके, कुछ कई साल पुरानी, ओके, और उसको आप खोलें तो एक पुरानी उसमें खुशबू होती है, ओके, अलग सी एक मस्टी डस्टी स्पेल जो होती है उसकी, एक आपको अलग एक दौर में, दौर, ईरा, लिखे ई आर ए, यानी कि दौर होता है, ईरा, ई आर ए, एरा नहीं बोलना है, ईरा, ईरा. ओके ना, it will be in the blog, don't worry. Era, age, okay, ek yug, ek daur, age. So I love books. Yahan pe kahenge, there are some books on the shelf. There are some books on the shelf. Aur ek word hai, bookshelf. Bookshelf, yani wo shelf, jahan par hum books rakhte hain, okay, kitabe rakhte hain. There are some books on the shelf. Book bolna hai, book, not the book, book. There are some books on the shelf. Ek hai to shelf, और ज्यादा है shelves. ओके, देर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ, चिल्ड्रन, देर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ, और एक होती देयर इज अ बुक ऑन द शेल्फ.
there's a book on the shelf. There's a book on the shelf. बुलवा रहा हूँ आप बोलो. There are some books. There are some books on the shelf. Good. So, that's it. Okay, we've come to the end of this mehfil of ours. Okay, आज की इस मेहफिल के हम लोग इसकी लास्ट स्टेज पर हम आ चुके हैं. ओके, यहाँ पर हम इसको समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे. ओके, और इसके अंजाम पे आए हैं इस तरह से. एंड यहाँ पर हम देखिए एक कोशिश कर रहे हैं कि हमने ठीक है माना कि ये तीन हमने सेशन किए, तीनों में हमने एक ही चीज़ दो चीज़ को हम ट्राई किया, देयर इज़ एंड देयर आर, लेकिन उतना ही नहीं था उसमें कि किस तरह से हमारे र के साउंड्स और हमने देखे उच्चार, हमने कई चीज़ के देखे, वोकैबुलरी हमने यहाँ पर बढ़ाई है. ओके, और आने वाले हमारे लेक्चर्स में, हमारी महफिलों में ये होगा बनेगी. और एक बात बताना चाहेंगे कि अब तक जो हमारा कोर्स चल रहा है वो एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स चल रहा है. ओके, अब कुछ ही महफिलों के हम ये होगा कि पैरेलली, मतलब ये तो चलता रहेगा एबीसी का कोर्स, जो कि बिल्कुल नौसिखियों जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल आगाज़ हो रहा है, जिनका शुरुआत हो रही है अंग्रेज़ी में, उनके लिए बनाया गया है. लेकिन साथ साथ में पैरेलली, मतलब समांतर उसके, हम इसके नेक्स्ट वाला जो स्टेज है जिसको हम कहेंगे बिगिनर कोर्स, ये एब्सोल्यूट बिगिनर एंड बिगिनर, ओके ना, वो हम शुरू कर देंगे. ओके, बिगिनर कोर्स में ये है कि थोड़ा सा जिनको आता है, जो एब्सोल्यूट बिगिनर कर चुके हैं या पहले से जानते हैं, उनके लिए फिर बिगिनर हम शुरू करेंगे, जो साथ साथ चलेगा. ओके, और यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर हमारे ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं, हमारी इस महफिल के आप वीडियोस देख रहे हैं, वो वहाँ पर एक आपका जो हमारा कलर जो अभी चल रहा है, एक गुलाबी सा कलर है जो हमारे एबीसी का कलर चल रहा है, वो बिगिनर के लिए कलर हल्का सा अलग हो जाएगा. अंडरस्टैंड, तो आपको पता चले कि ये बिगिनर है और जिससे पहले वाले जो थे वो एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स है. आप दोनों पैरेलल भी कर सकते हैं. ओके, और वक्त के चलते इंशाल्लाह हरी इच्छा हम और एक उसमें फिर लेवल बढ़ाते चलेंगे. तो धीरे धीरे ये हमारी कोशिश रहेगी कि चार या पांच लेवल्स हमारे साथ साथ चलते रहें, आप एक से दूसरे में आगे बढ़ते चलेंगे. ओके ना, उसके साथ में और कुछ और चीज़ें आएंगी, एक टोटली इमर्जेंस सॉर्ट ऑफ थिंग, जहाँ पर कुछ चीज़ें वो होंगी जो हर किसी के काम आएंगी. यू विल सी एज वी गो अलोंग. तो आज की इस महफिल को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसको हम यहाँ पर अंजाम पे लाते हैं. और फिर वही बात कि आपके हमको सुझाव और आपकी सजेशंस और आपके आपकी यू नो फीडबैक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप प्लीज़ हमें ईमेल करें, अगर आपको अब चाहे तो फ़ोन भी कर सकते हैं या तो ईमेल करें, नहीं हमें बताएं कि आपको इन वीडियोस में और क्या चाहिए, या जो हम वीडियोस अभी ऑलरेडी पेश किए हैं उसमें आपको कौन सी चीज़ की कमी लगी या कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि ये चीज़ आप चाहते हैं. ठीक है ना, सो आपकी या फिर ईमेल का हमारा जो एड्रेस स्क्रॉल होता रहता है, आप उस पर हमको ईमेल करें. आपकी ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा, हम उसके मुंतज़िर रहेंगे. और अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं, आप पूछना चाहते हैं कुछ, आपके मन में बात है कि आप अंग्रेज़ी में उसको एक फना चीज़ को कैसे कहें, इस तरह से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक आप हमको लिखें, कोई इसमें आपको तकल्लुफ़ नहीं करना है. ओके, बेतकल्लुफ़ निसंकोच होकर के आप हमें उसके बारे में लिखें, हमें ईमेल करें, और कोशिश करके हम जल्द से जल्द उसका आपको या तो ईमेल के ज़रिए से रिप्लाई करेंगे, उसका हम जवाब देंगे, या अगर हमें लगा कि नहीं ये आपकी जो बात है ये और लोगों के साथ हमें शेयर करनी चाहिए, उनको भी इस तरह का परेशानी हो सकती, इस तरह की परेशानी हो सकती शायद, तो हम एक छोटा सा वीडियो बना करके वो हम आपके सामने पेश कर देंगे. ठीक है, तो प्लीज़ इस पर आप गौर करें और हमारे संपर्क में रहें. और फिर वही बात कि एंजॉय लाइफ, मज़े लें हम जिंदगी के, आप भी हम भी, लेकिन मज़े का मतलब ये नहीं होता है कि हमें शराब पीनी है या हमें सिगरेट पीनी है या हमें तंबाकू खाना है. इन चीज़ों से दूर रहिए. डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, बी इन टच, एंजॉय लाइफ. दिस इज़ योर फ्रेंड नैश बियानी, साइनिंग ऑफ. English.